नर्वस थे। मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और केळकर क्लिनिक घोड़बंदर और थाने में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। डर ये ऐसी चीज है जो कि इंसान को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। डर धीरे धीरे हमारे लाइफ में हावी होने लगता है, हमारे जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है और हमें वो समझ ही नहीं आता है कि क्या चीज हमारे जिंदगी को कंट्रोल कर रही है, कौन सा डर कंट्रोल कर रहा है और क्या हो रहा है मेरे साथ। आज मैं कुछ कॉमन जो जनरली जो डर लोगों में होते हैं, किस प्रकार के डर होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि लोग क्या कहेंगे, अगर मुझसे गलती हो गई तो लोग हंसेंगे, लोग मुझे बुरा कहेंगे, लोग मुझे ये कहेंगे वो कहेंगे, और कंटिन्यूअसली क्रिटिसिज्म जो होता है उसके बारे में सोचने की वजह से वो आगे बढ़ते ही नहीं है, वो कुछ करना भी चाहे तो भी करते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में एखादे लड़के ने टीचर से टीचर ने क्वेश्चन पूछा और उसने जवाब दे दिया और अगर वो गलत हो गया तो लोग हंसने लगते हैं क्लास में और उसे कुछ बोलने लगते हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो लड़के की इच्छा भी है तो भी वो डर की वजह से कि लोग हंसेंगे वो जवाब ही नहीं दे पाता है और वो कंटिन्यूअसली डर उसके मन में वो रूट करने लगता है और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है एंग्जाइटी में। तो पहला है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, दूसरा है फियर ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का डर। काफी लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास पैसा नहीं होता है और उसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे घर वालों को वो एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ आगे लाइफ में अच्छा कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं अपने आप को सबके साथ रख नहीं सकता हूँ, वो लेवल पे नहीं रख सकता हूँ, उसकी वजह से सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है और उसकी वजह से वो आगे बढ़ते ही नहीं है लाइफ में। उन्हें कंटिन्यूअस यही डर लगा रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा और यही डर उन्हें सताता रहता है। तीसरा है फियर ऑफ इल हेल्थ या फिर फियर ऑफ इलनेस। तो उसमें क्या होता है कि वो इंसान को यही डर लगा रहता है कि मेरे शरीर में कुछ तो भी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से मुझे कुछ तो भी तकलीफ होने वाली है। यही डर है कि मुझे कभी हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि अभी हम आजू बाजू में सुनते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको पैरालिस का अटैक आ गया, उसको शुगर का बीमारी शुरू हो गया, तो उन्हें कंटिन्यूअस यही डर लगा रहता है कि अगर मुझे शुगर का बीमारी शुरू हो गया तो, अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है तो मुझे क्यों चेस्ट पेन हो रहा है, और मुझे सर में दर्द हो रहा है तो कहीं कुछ खून की गांठ तो नहीं हो गई, अगर पैर में दर्द हो रहा है तो कुछ तो भी ट्यूमर तो नहीं हो गया। ऐसे कंटिन्यूअसली उन्हें डर अपने हेल्थ को लेकर रहता है और उसकी वजह से वो कंटिन्यूअस हेल्थ चेकअप करते रहते हैं, कंटिन्यूअस उसके बारे में सोचते रहते हैं और यही निगेटिविटी लेके वो चलते रहते हैं। चौथा है फियर ऑफ फेलियर यानी नाकामयाबी का डर। हम लाइफ में अगर हमारे दिमाग में एखादी चीज भी आई कि मुझे ये करना है, मुझे बिजनेस करना है, तो उसके साथ सेकेंड थॉट आता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं नाकामयाब हो गया तो, अगर मैं पूरा पैसा डुबा दिया तो, और बस यही थॉट आने की वजह से वो इंसान आगे बढ़ता ही नहीं है कि मेरा पैसा डूबेगा, मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर एखादा पेपर अगर एखादा स्टूडेंट लिखने के लिए बैठता है तो वो यही सोचे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे पासिंग मार्क्स ही नहीं मिले तो बस फिर वो आगे बढ़ता ही नहीं है, वहीं उसका लाइफ रुक जाता है। और सबसे लास्ट है फियर ऑफ लूजिंग समवन यानी हमारे प्रियजनों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को हम लूज कर देंगे, हमारे से वो दूर चले जाएंगे, इसके डर से ही वो डरते रहते हैं।
और ये डर धीरे धीरे उन पे हावी होने लगता है। उनके दिमाग में यही रहता है कि अगर मेरा बेटा लेट आ रहा है तो कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका, अगर मेरी बेटी स्कूल से नहीं आई तो कहीं गिर तो नहीं गई, कुछ हो तो नहीं गया उसको, ऐसे कंटिन्यूअसली ये डर उनके मन में लगा रहता है। अब ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स जो मैंने आपको बताया। अब ये फियर से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर इस पे फॉलो कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।